आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही होटल जैसे राजमा। सो हमने ये छोटे वाले राजमा लिए हैं जिनको काफ़ी लोग जम्मू के राजमा कहते हैं। हमने बड़े वाले राजमा नहीं लिए, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं और रेड कलर के हैं। अब हमें इसे कुकर में डाल देते हैं। ये 250 ग्राम हमने लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी ले सकते हो अपनी फैमिली के हिसाब से। अब हम इसको 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेंगे। हमने इनको अच्छे से पहले साफ़ कर लिया था। अब हम इनमें 1.5 लीटर जितना पानी डाल देंगे और उसके बाद में बिल्कुल 1 चम्मच जितना घी या ऑयल डाल देंगे। मैंने तो घी डाला है, आप चाहे तो ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। इससे राजमा बहुत जल्दी पकेंगे, इनको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक लिया था और 1/3 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और इसमें 1/2 चम्मच हमने सौंठ का पाउडर लिया था, जिस आप इसमें अदरक भी डाल सकते हो और मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाला। सो अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम ऑन कर दिया है, इसके ऊपर हमने कुकर रख दिया है और अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको विसल आने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर ऑफ करके, मतलब गैस सिम करके इसको पकाएंगे। विसल आ गई है, अब हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे। आप देख सकते हो 1 सीटी बज गई है और अब हमने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कम फ्लेम पे ही रहने देंगे। उसके बाद में हम कुकर को ओपन करके देखते हैं कि कैसे बने। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को खोल के देखते हैं। अब हम इसका स्टीम निकाल रहे हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खोल के देखते हैं कि कैसे बने हैं, देखते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारे राजमा कैसे बने हैं। हमारे राजमा आप देख सकते हो कितने मस्त और घुले घुले बने हैं और कितने मोटे मोटे फूल गए हैं, बिना भीगे हुए हैं ये राजमा। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई को रखा है और हमने अब हम इसमें 1 कड़छी जितना देसी घी डालते हैं। आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या चाहो तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। हमने राजमा में तड़का लगाने के लिए प्याज को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और टमाटर को भी ग्राइंड कर लिया था और हरी मिर्च के हमने टुकड़े काट के बीच में ही टमाटर के डाल दिए थे। और हमने 1 चम्मच जीरा, 1 से 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च और 2 पिंच जितना हमने नमक लिया है, क्योंकि नमक तो हमने पहले भी ऑलमोस्टली डाल दिया था। ये नमक इसलिए लिया है क्योंकि जब हम टमाटर और प्याज को अच्छे से भूनेंगे तो उसमें बीच में डाल देंगे, इससे टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएगा। और अब हमारा घी गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालते हैं। ये हमारा जीरा अच्छे से चिटक चुका है, अब हम इसमें ये प्याज डालते हैं। हमने ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल दिया है और अब हम कड़छी की हेल्प के साथ प्याज को भून लेंगे। अब हमारा प्याज भूनना स्टार्ट हो गया है, प्याज को हमने अच्छे से भूनना है। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ये जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी इसको डाल देते हैं, इसको अच्छे से पका लेते हैं और इसमें जो 2 पिंच हमने नमक लिया था वो भी डाल देते हैं। जैसे ही ये टमाटर प्याज घी छोड़ देता है तो समझ लेना कि हमारा तड़का रेडी है। आप देख सकते हो तड़के ने ये घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हो ये घी कैसे अलग होने लग गया है। अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए और हिलाएंगे। तड़के को इसी हिसाब से बनाना है कि ये बिल्कुल भी बर्तन में जले नहीं, अगर तड़का जल गया तो टेस्ट सब्जी का बेकार हो जाएगा। ये तड़का बिल्कुल बन चुका है, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं। आप देख सकते हो घी अलग होने लग गया है ये तड़के से।
ये कैसे खिला खिला, कितना मस्त तड़का लग रहा है, इसका रंगत कितना अच्छा है। अब हम इसमें आधा ग्लास जितना पानी डालेंगे। ये तड़का हमारा बन चुका है, अब हम इसमें आधा ग्लास जितना पानी डालेंगे और फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। तड़का हमारा अच्छे से बन गया है और ये जो तड़के में थोड़ा सा पानी डाला था ये भी अच्छे से उबल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा तड़का कितना ही मस्त बना है। अब हम इसमें जो हमने राजमा उबाइल किए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। और इनको 5-10 मिनट के लिए उबलने देते हैं। आपको इसका ग्रेवी जितना भी पतला या गाढ़ा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो मैं तो इसी हिसाब से इतना ही रखती हूँ इसको गाढ़ा। और आप ये देख सकते हो ग्रेवी कितनी होटलों जैसी बनी है और ये खाने में भी बहुत मस्त है। अब हम इसमें ये 2 पिंच जितनी काली मिर्च और ये 1 चम्मच जितना आमचूर पाउडर था इसको भी डाल देते हैं। और हमने अब लास्ट में 1 चुटकी गरम मसाला भी डाल दिया है। गरम मसाले का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब राजमा हमारे अच्छे से बन चुके हैं और गाढ़े भी हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और अब हम इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी क्रश करके डाल देते हैं। सो देख सकते हो हमने थोड़ा सा सूखा मेथी को क्रश करके डाला है और हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी लिए हैं, ये भी हम क्रश करके डाल देते हैं। पुदीने के पत्ते और मेथी के पत्ते डालने से, कसूरी मेथी को डालने से राजमा का फ्लेवर और भी दुगना हो जाएगा। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये राजमा हमारे ठंडे होने पर थोड़े से और भी गाढ़े हो जाएंगे।